गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं जो क्लासिक में आपके टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्या है, डाटा रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोई भी डेटा क्या होता है, जैसे कोई भी आपका इनपुट और आउटपुट के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल यूज करते हैं कंप्यूटर में उसे डाटा कहते हैं। डाटा जो इनपुट आउटपुट प्राप्त करते हैं उसे डाटा कहते हैं, डाटा रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर। तो डाटा रिप्रेजेंट कंप्यूटर में मेनली क्या होता है, फोर टाइप का होता है, वो क्या करते हैं, नंबर सिस्टम करते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, मेनली कोई चीज नंबर है हमारा तो उसको किस सिस्टम में डिफाइन किया गया है वो कहलाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मेनली क्या होते हैं, फोर टाइप के होते हैं। पहला जो होता है आपका वो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो नंबर सिस्टम में हम लोग ने जो पहले सीखे रहेंगे वो नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम में से कोई भी मेरी नंबर है, एक कोई नंबर ले लिया उसको अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल नंबर होता है वो नंबर सिस्टम में आता है। अल्फाबेटिकल हम ए टू जेड करते हैं, चाहे ए टू जेड करते हैं, चाहे जीरो से लेकर नाइन तक, ये सब क्या होते हैं, ये अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल जो नंबर होते हैं वो डाटा सिस्टम को किस वे में करते हैं, वो डेसिमल नंबर में करते हैं कि बाइनरी नंबर में करते हैं कि ऑक्टल नंबर में करते हैं कि हेक्साडेसिमल में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपका डेसिमल नंबर है ये कैसे रिपीट होता है, डेसिमल नंबर मतलब जिसकी बेस 10 होती है, जिसका बेस 10 होता है वो डेसिमल नंबर होता है। इसमें कहां से कहां आते हैं, 0 से लेकर 9 तक जो अंक है वो डेसिमल नंबर होते हैं, 0 से लेकर जो 9 अंक होते हैं वो डेसिमल नंबर में आते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक बना हुआ ये अल्फाबेटिकल जो बने होते हैं वो डेसिमल नंबर में आते हैं। इट मींस कोई हम 3, 4, 5 लिख देते हैं तो किस में आते हैं वो, अगर डेसिमल अगर उसका बेस 10 लिख दिए तो वो क्या कहलाएगा, वो डेसिमल नंबर में आते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आगे भी पढ़ते हैं बाइनरी नंबर, जो कि आपके कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। मेनली बाइनरी नंबर होता है क्या, कंप्यूटर जो आपका लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, कंप्यूटर आपका क्या समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में, ट्रू या इसे ट्रू कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। जो ट्रू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो है बिट, एक सिंगल बिट होती है ये ऑफ है कि ऑन है, ये ऑफ है कि ऑन है, ये 0 और 1 बिट रिप्रेजेंट करता है। वो किस कैसे टाइप का होता है, उसका बेस 2 होता है। अब डेसिमल का बेस क्या होगा, 10 होगा। बाइनरी का क्या होगा, उसमें जो नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी से सब संख्या अपने डेसिमल नंबर बने हुए हैं। और बाइनरी नंबर किसे बने हैं, 0 और 1 से। उसके बाद होता है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लास्ट में वो ऑक्टल नंबर होता है। ऑक्टल नंबर किस केस में आता है, जिसका बेस 8 हो। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक और 8 से लेकर 1 तक जो आते हैं वो आपका हेक्साडेसिमल आते हैं 16। इसमें क्या होता है, इसका बेस 16 होता है, इसका बेस 8 होता है, इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 10 होता है। अब डाटा के रिप्रेजेंट में क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, वो कैसे यूज करते हैं, किसी भी आपने निकाला होगा, आपने जो एलसीएम के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाइनरी नंबर निकालते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें हम किसी चीज का उसे 2 से भाग देते हैं, जैसे क्या हुआ मेरा आपका 5 नंबर है वो डेसिमल में है, उसको कन्वर्जन किसमें करना है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमारा 5 जो डेसिमल नंबर है
उसे किस टाइप में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पर यहाँ पे टू से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार होता है टू टू जा फोर। बचेगा क्या आपका एक, ठीक है। फाइव कैसे लिखेंगे हम लोग, वन बचा टू से पहुंच जाएगा जीरो, वन जीरो वन क्या होता है, वन जीरो वन क्या होगा, वन जीरो वन आपका फाइव का होगा। कैसे करते हैं और भी बड़ी संख्या लेते हैं लोग, जैसे फिफ्टी ट्वेंटी फाइव लिया हमने, तो ट्वेंटी फाइव क्या करेंगे, ट्वेंटी फाइव कैसे डिवाइड करेंगे, ट्वेंटी फाइव को टू से डिवाइड करेंगे, ट्वेंटी फाइव कितना जाएगा टू से एक बार जाएगा तो कितना जाएगा बारह में चौबीस, बचेगा हमारा एलसीएम वन। उसके बाद टू से डिवाइड करेंगे, टू सिक्स ट्वेल्व ये कितने बार जाएगा, एलसीएम बचेगा जीरो, फिर किससे डिवाइड करेंगे टू, यहाँ कितने बार जाएगा जीरो, फिर कितने बार जाएगा टू वन टू बचेगा एलसीएम वन। अब इसको क्या करते हैं उल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वन वन जीरो जीरो वन, ऐसे क्या करते हैं किसी नंबर का फाइनल नंबर निकालते हैं, जैसे आपका ट्वेंटी फाइव का क्या हुआ, अगर डेसिमल नंबर है तो उसको बाद में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके घर मतलब लिखेंगे वन वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो, ये क्या हो गया, ये ट्वेंटी फाइव का आपका बाइनरी नंबर हो गया। इसके और भी हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, जैसे कोई बड़ा सा एग्जाम्पल है हम ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम सिक्सटी सेवन, सिक्सटी सेवन नंबर है उसका हमें निकालना है बाइनरी नंबर, तो क्या होगा टू थ्री जा आपका आया रिमाइंडर वन। अब क्या करते हैं इसको फिर से टू से डिवाइड करते हैं, फिर नौ सोलह का बत्तीस होता है, सोलह बन जाएगा एक रिमाइंडर आएगा, फिर क्या टू एट जा सिक्सटी होता है अब रिमाइंडर वन आएगा, इसमें टू फोर जा एट हो जाएगा रिमाइंडर कितना हो जाएगा वन जीरो आएगा, फिर आपका क्या जाएगा टू टू जा फोर होता है रिमाइंडर आएगा आपका जीरो, फिर टू से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा टू वन आएगा। अब नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, कैसे करते हैं आपका सिक्सटी सेवन हो गया, सिक्सटी सेवन डेसिमल नंबर है, जो डेसिमल नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को नीचे लिखते हैं वन जीरो 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 वन वन, ये क्या हो गया बाइनरी नंबर। एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं आपको इसके लिए, अब कोई भी बाइनरी नंबर को कैसे आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हो या डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हो, नॉर्मल एक फॉर्मूला है छोटा सा आपने पढ़ा सुना होगा पूजा कोड पूजा ऐसे क्या होगा, तो नॉर्मल इतना लिखते हैं नॉर्मल लिखते हैं वन लिख देते हैं, उसके बाद कवर करते हैं क्यूब करते हैं फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर 128 ऐसे करके हम सीरीज बनाते चले जाएंगे, इसमें दो का गुणा करते चले जाएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको क्या निकालना है 25 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो 25 का बाइनरी नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं इस नंबर में से क्या जोड़े कि हमारा 25 हो जाए, तो स्टार्टिंग से करेंगे पहले एक जोड़ेंगे दो जोड़ेंगे तीन जोड़ेंगे, तो क्या करते हैं सबसे पहले इसमें 25 को कैसे निकालना है, 25 में से देखेंगे 25 से छोटी से बड़ी संख्या क्या 32 हो गई, लेकिन उससे छोटी संख्या क्या हो गई 16, तो 16 की लीजिए 1 लिख लीजिए, इसमें क्या करेंगे माइनस 16 कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए 9 क्या है 8 से बड़ी है लेकिन 16 छोटी, तो 16 से इसमें नीचे 1 कर देंगे, अब इसमें 8 घटा देंगे माइनस 8, अब 1 कौन सा है 1, जिसके सामने फॉल्स है उसको जीरो जीरो कर दें, जिसके सामने टू बाई टू कर दें। अब मेरा 25 का फाइनल नंबर कितना होता है वो आप देखेंगे शॉर्टकट मेथड से, कोई भी एग्जाम में कोई भी आपके
कोई एक कंपटीशन एग्जाम में जो बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आता है वो सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला यही है, आप 1, 2, 4, 8, 16 की सीरीज बना लीजिए, उसमें क्या कर लीजिए उसको जिसके सामने 2 है उसके सामने 2, जिसके सामने 5 है 5। इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था 67 ने निकाले कि हम लोग कैलकुलेशन करके ऐड से निकाले थे जो आया था 1 1 1 0 0 0 0 1 1। अब इसको कैसे निकालें, 67 है हमारा, 67 है, 67 सबसे, लेकिन 67 से बड़ा कौन है, 128 तक छोटा हो जाएगा, उससे छोटा क्या है 64 ले लेते हैं 1। इसके बाद हम लोग 67 में कितना घटाते हैं, 64 घटा देते हैं, कितना बचेगा 3। अब 3 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 1 3 जोड़ देते हैं, 2 1 3 जोड़ते हैं, इसके बीच में जो भी आपके नंबर आते हैं 5 वाले उसको 5 देते हैं, तो क्या होगा 1 0 0 0 0 1 1। ये क्या होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं, उसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर मेथड यूज करते हैं। इसको फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे, जैसे कोई नंबर है आपका 100 आपका वो डेसिमल नंबर है, उसको हम बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू डेसिमल ऐसे चलेंगे 100 250 51 जाएगा, 5 0 बचेगा 225 बढ़ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा और क्या हुआ 220 आपका 12 बढ़ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 26 बढ़ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 3 बढ़ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 बढ़ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब क्या 1 आ गया तो इसके लिए 1 1 0 0 1 0 0, तो इसके लिए क्या 100 के लिए क्या लिखेंगे 100 डेसिमल इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0, ये होता है आपका 100 का डेसिमल बाइनरी नंबर, 100 डेसिमल का बाइनरी नंबर क्या होता है 1 0 0 1 0 0। अब इसको हम फॉर्मूले पे रखते हैं, फॉर्मूले कैसे रखते हैं, हमको 100 का निकालना है, 100 का निकालना है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे 100 से बड़ा कौन है 100 से छोटा कौन है, सबसे लास्ट ऑप्शन देखेंगे 64 क्या होगा, अगर 64 को ऐड कर लेते हैं 100 में से 64 घटा देते हैं, 100 में से 64 घटाते हैं कितना बचेगा आपका 36। 36 को में घटाएंगे बोले 30 घटा देंगे कितना बचेगा हमारा 4। अब 4 के टाइम कहां आते हैं 1 लीजिए, इसके बाद जोड़ टूट रहेगा 2, तो क्या नंबर आएगा आपका 1 1 0 0 1 0, ये क्या नंबर होगा, ये आपका बाइनरी नंबर होगा और किसके इक्वल होगा वो 100 डेसिमल के इक्वल होता है 100 का, और आपको रिटर्न याद होना चाहिए 0 से लेके आपको 1 से लेके 1 डेसिमल से लेके 0 डेसिमल से लेके 1 से लेके आपको 10 तक का बाइनरी नंबर सबको याद होना चाहिए, आप कॉपी में रिटर्न कर लीजिएगा। वन का क्या लिखते हैं, 1 डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी नंबर है 1 का 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का 1 1 2 3 0, 9 का 1 0 0 1, 10 का 1 0 1 0, ये नंबर है 1 से लेकर 10 तक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का, ये आपको रिटर्न रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये क्या होता है, हर जगह हेल्पफुल होता है, कम से कम आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे तो 1010 1 से लेकर 10 तक आपको बाइनरी नंबर याद होना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया, अब तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं वो अब आपको बताएंगे। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया, बाइनरी टू
डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन में क्या करते हैं, कोई बाइनरी नंबर है 101, ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, जीरो लिखते हैं, वन लिखते हैं, टू लिखते हैं इसके ऊपर, तो फिर क्या करते हैं, वन दो के बाद दो प्लस जीरो इक्वल टू टू के घात पे वन प्लस वन इंटू टू के घात पे जीरो, ये निकालने का तरीका होता है। तो दो में चार, वन गुणे फोर प्लस जीरो गुणे टू प्लस वन गुणे वन, क्या आएगा, चार प्लस जीरो प्लस वन, इसका नंबर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो पांच होगा। ये कन्वर्जन करने का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई बड़ी नंबर लेते हैं, मतलब 100, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सुना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कैसे लिखते हैं, 1 गुणे 2 के घात 7 प्लस 0 गुणे 2 के घात 6 प्लस 1 गुणे 2 के घात 5 प्लस 1 गुणे 2 के घात 4 प्लस 1 गुणे 2 के घात 3 प्लस 0 गुणे 2 के घात 2 प्लस 0 गुणे 2 के घात 1 प्लस 0 गुणे 2 के घात 4 जीरो का क्या आंसर आ गया, 0, 1 के घात 5 2 4 8 32 ना, ये 16 जाएगा प्लस आपका कितना है, 0, 4 प्लस 0 प्लस 2 बटे 3 = 8 प्लस 0 प्लस 2 बटे 2 प्लस 0, इसको जोड़ने के कितना आएगा, जितना जोड़ लेंगे फिर जो आएगा आपका नंबर ही कितना, 8 + 10 = 32, 42 और 170 क्या होगा, ये आप इस नंबर का डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल तो बाइनरी पढ़ लिया, बाइनरी डेसिमल पढ़ लिया, तो दोनों इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, 41, 2, 4, 8, 16, 32, 64 करते हैं ऐसे कर सकते हैं, 128, 256। अब इसको क्या करते हैं, जीरो से यहाँ रिप्रेजेंट है, जहां टू है वहां टू, जहां पास है जहां पास वन, जीरो है जहां जीरो, वन है जहां वन, जीरो है जहां जीरो, वन है जहां वन, जहां पास है जीरो वन। अब इसको जहां जहां वन है उसको ऐड करते हैं, 128 + 32 + 8 + 2 ये जोड़ने पे 120 आएगा, जो आपका फार्मूला होगा डेसिमल नंबर का। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में हम लोग ये देखते हैं, इस फार्मूले से भी आप आंसर निकाल सकते हो, बड़े कन्वर्जन का फार्मूला आपके लिए सही होगा, ये फार्मूला एग्जामिनेशन या प्रिपरेशन का एग्जाम करते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस क्लास में बस इतना ही, इसके बाद आगे हम सब समझाएंगे आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। थैंक यू।